अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आज हो चुकी है सुबह और मैं आई हूँ अभी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और ये जो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ ये है अफवानी आमलेट। और ये आमलेट जो है मेरे बेटे राफे को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे जो बेटे हैं ना राफे, उनको डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट स्टाइल के, बहुत डिफरेंट तरह के ना उनको आमलेट्स खाने का बहुत शौक है। वो हमेशा सीरियल खाना नहीं पसंद करते हैं, आर्यन जो हैं वो सीरियल ले लेते हैं, लेकिन जो राफे हैं उनको ज़्यादा आमलेट खाना डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट स्टाइल के उनको पसंद हैं। तो यमी यमी से उनको डिफरेंट आमलेट बना के दें और वो बहुत खुशी से खाते हैं। और राफे आर्यन जो है उन्हें सिर्फ चीज़ आमलेट ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू अदर आमलेट्स। तो आज राफे आर्यन ने ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो फिर मैंने उन्हें जो लंच में ना ये ब्रेड पकौड़े बना के दिए थे, क्योंकि आर्यन जो है ब्रेड पकौड़े बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और बस फिर उनको आज दोनों बच्चों की, दोनों की फेवरेट चीज़ें बना दी। आर्यन को ब्रेड पकौड़े खाने थे, उन्हें ब्रेड पकौड़े बना दिए, और राफे को मैंने आमलेट बना दिया उनका फेवरेट। आजकल आप लोगों को पता है कुछ खास बाहर जाना तो हो नहीं रहा है, सिर्फ घर में खाएं, बनाएं और सो जाएं और मूवीज़ देख लें या कोई ड्रामा देख लें अपना फेवरेट, तो या फिर पाकिस्तान में किसी को कॉल कर लें, अपनी मदर्स को, अपने फादर को, या किसी भी रिलेटिव को, फ्रेंड्स को, सिस्टर को, तो बस ऐसे ही टाइम गुजार रहे हैं हम लोग भी। बच्चों के साथ फन एक्टिविटी करते हैं और थोड़ा फर टाइम मिल जाए तो फिर मैं कोई पाकिस्तानी ड्रामा देख लेती हूँ। मुझे पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मैं अक्सर देखती रहती हूँ। तो आजकल जो है बहुत ने मुझे जो अभी रिसेंट मेरे जो फेवरेट ड्रामास थे लाइक अलिफ था और डिफरेंट ड्रामास थे, वो ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी न्यू ड्रामास आ रहे हैं। तो आजकल मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है ड्रामा देखने का, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है। और फिर कुछ अभी जो है आजकल मुझे बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। और अभी मुझे आज चीज़ें मैंने मंगवाई थी, ग्रॉसरी मंगी थी, मेरे हस्बैंड करने गए थे। तो क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल वायरस की वजह से बाहर तो नहीं जा रहे हैं हम लोग भी, तो हस्बैंड गए थे, वो ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह प्रॉपर पहन के गए थे। और आकर फिर उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए, शावर लिया। और ये जो चीज़ें हैं मैं इतना भर भर के नहीं मंगवाती हूँ, मुझे फ्रेश चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मैं फ्रेश उतनी शॉपिंग करती हूँ जितनी हमें चाहिए, हमारा वीक गुजर जाए, एज़ कम्पेयर के लोग आजकल क्रेज़ी हुए हैं, अपना फुल्ली स्टॉक किया हुआ है हर चीज़, जैसे बस दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। जो भी आपके नसीब में है आपको ज़रूर मिलेगा, अल्लाह ताला ने हर बंदे के रिस्क लिखा हुआ है, आप कुछ भी कर लें वो आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस सब कुछ लें, बस दफ़ा ये होता है सब कुछ होकर भी आप नहीं कुछ भी खा सकते, आप बीमार हो जाते हो, कुछ ऐसा हो जाता है। तो जो आपके नसीब में आपको ज़रूर मिलेगा, तो ज़्यादा शॉपिंग मत करें, क्योंकि जो अगर आप बार दफ़ा आप लोग जो चीज़ें ले आते हैं किसी और को चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है। तो ये यूके में, इटली में और इस तरह यूएस में आजकल लोग जैसे क्रेज़ी हुए हैं सैनिटाइज़र, रोल्स वगैरह हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं और स्टॉक जो है वो चीज़ें शॉर्ट हो रही हैं। तो कोशिश करें कि दूसरों के लिए भी उतनी शॉपिंग करें जितनी आपको ज़रूरत हो, थोड़ा दो चार दिन हफ्ते के लिए और स्टॉक कर लें, ऐसे महीनों का स्टॉक मत करके रखें, क्योंकि फिर बाद में चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं, फ़ायदा भी नहीं होता। तो अभी मैं रमज़ान के जो लिए मुझे चीज़ें कुछ चाहिए थी, रमज़ान का महीना बिल्कुल पास आ चुका है और इसके लिए आप लोगों ने बताया, आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली है। मुझे चाहिए थी कुछ खजूरें और स्प्रिंग रोल बनाने थे, समोसे बनाने थे और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी लाइक पकोड़े, रमज़ान में बहुत बनते हैं बच्चे और हम लोग बड़े बहुत शौक से खाते हैं। तो फिर पकौड़ों के लिए बेसन और उसमें डलने वाले स्पाइसेस लाइक अनारदाना और सूखा धनिया वगैरह जो भी चीज़ें थी वो चाहिए थी, उन्हें गए मेरे हस्बैंड वो लेकर आए हैं। और आप लोग बताएं आप लोगों ने क्या क्या प्रिपरेशन किया है, ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। और बस यही था आज का व्लॉग, इतना एज सच नहीं है क्योंकि कुछ ख़ास तो होता नहीं है, बाहर नहीं जा रहे, डिनर्स पे नहीं जा रहे हैं, तो कुछ इतना ख़ास नहीं है आप लोगों को दिखाने के लिए। और बस आपको मेरे घर में जो है ये स्ट्रॉबेरी की जो चीज़ें हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की चीज़ें इसलिए ज़्यादा नज़र आती हैं हमेशा कि मेरे बेटे को, राफे को जो है ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जो भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और उनको योगर्ट हो, मिल्क हो, कुछ भी नॉर्मल फ्रूट खाना हो, उनको स्ट्रॉबेरी चाहिए होती है हर चीज़ के अंदर। और सिर्फ आइसक्रीम है जो वनीला फ्लेवर की खाते हैं, अदरवाइज़ हर चीज़ उनको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में चाहिए होती है। और अभी फिर मैंने ये चीज़ें सॉर्ट आउट करने के बाद जो है बनाया था कीमा, और बस ये डिनर में आज खाएंगे। और यही था आज तक का जो था ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।